मजीद अवान, प्रोफेसर कल्ब अब्बास तनवीर, फायज बुखारी, अली हसनैन चिश्ती, अब्दुल सत्तार अवान, मोहम्मद सकलैन रजा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने उनके अदब के हवाले से खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो अपनी जात में मर्द कलंदर और लहजे में घन गर्ज के मालिक थे। वो आज इस तकरीब में जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर मौजूद हैं। उनके शायरी के नजरियात और अफकार आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। मरहूम ना सिर्फ इल्मी और अदबी शख्सियत थे बल्कि उनका शुमार मुल्क के मारूफ मुफक्किर और दानिशवरों में होता था।